नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूं मनीष गौड़। दिवाली देव महादेव और हमारे पितरों की हम पर कृपा बनी रहे, ऐसी मैं उनसे कामना करता हूं। और स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष कार्यक्रम में। श्राद्ध पक्ष शुरू होने जा रहे हैं, सभी व्यक्ति यही चाहते हैं कि वो अपने पितरों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस दौरान पितरों को निर्मित श्राद्ध किया जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों यानी कि पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहिए। शास्त्रों में भी मनुष्य के लिए तीन ऋण कहे गए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इनमें से पितृ ऋण को श्राद्ध करके उतारना आवश्यक होता है, क्योंकि जिन माता पिता ने हमारी आयु, आरोग्यता, सुख सौभाग्य या अभिवृद्धि के लिए अनेक प्रयास किए, इनको ऋण से मुक्त न होने पर हमारा जन्म लेना निर्थक होता है। वर्ष में केवल एक बार अर्थात इनकी मृत्यु तिथि के दिन जल, तिल, कुशा, पुष्प आदि से उनका श्राद्ध संपन्न करने से और गोग्रास देकर 5 ब्राह्मणों को भोजन करा देने मात्र से यह ऋण उतर जाता है। यदि कोई स्त्री अपने पति का श्राद्ध करना चाहती है और जिस स्त्री का कोई पुत्र ना हो तो स्वयं ही अपने पति का श्राद्ध कर सकती है। भाद्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिनों तक पितरों को तर्पण और श्राद्ध पक्ष चलता रहता है। श्राद्ध पक्ष के दिनों के बारे में मान्यता है कि पूर्वज अपने पुण्यतिथि के दिन अपने परिवार में आते हैं, इसीलिए उनकी पुण्यतिथि के दिन विधि विधान से उनका श्राद्ध करना चाहिए। जिस परिवारजन को अपने पितरों की तिथि याद नहीं रहती, उनका श्राद्ध अमावस्या के दिन कर देने से पितर संतुष्ट हो जाते हैं। इस दिन शाम को दीपक जलाकर पूरी पकवान दरवाजे पर रखे जाते हैं, जिसका अर्थ होता है कि जाते समय पितर भूखे न जाएं। इसी तरह दीपक जलाने का आशा है उनके मार्ग को आलोकित करना। वेदों के अनुसार मनुष्य के पास यह एक मौका होता है, यदि उनके पास पूर्वजों के प्रति कोई गलती हो गई हो और इस दौरान उनसे क्षमा मांग ले तो पितर भी इस दौरान अपने बच्चों की सभी गलतियों को माफ़ कर देते हैं और उन्हें सुख समृद्धि और आशीर्वाद देते हैं। महर्षि समंतु ने श्राद्ध में होने वाले लाभों के बारे में बताया है कि संसार में श्राद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कल्याण पर मात्र तो हो ही नहीं सकता। ब्रह्म पुराण, गरुड़ पुराण, कर्म पुराण और मार्कंडेय पुराण के अनुसार भी जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ श्राद्ध करता है उसके कुल में कोई भी दुखी नहीं होता है। पितृ पूजन से संतुष्ट होकर पितर मनुष्यों के लिए आयु, पुत्र, यश, कीर्ति, वैभव, सुख संपत्ति, धन धान्य देते हैं। यदि आपकी कुंडली में पितृ दोष बन रहा है तो भी उसी मुक्ति के लिए श्राद्ध पक्ष का समय अति उत्तम है। और यदि आपकी कुंडली नहीं बनी हुई है और आप जानना चाहते हैं कि क्या मेरे ऊपर पितृ दोष लग रहा है, इसके लिए मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताता हूँ। यदि आपके साथ भी इनमें से 2 या 3 चीज़ें अक्सर आपके साथ होती रहती है तो समझ लीजिए आपकी कुंडली में भी पितृ दोष है और उसकी शांति आपको अवश्य करवा लेनी चाहिए। जिन व्यक्तियों के ऊपर पितृ दोष होता है उनकी किस्मत कभी साथ नहीं देती, उनकी कभी तरक्की नहीं होती। जीवन भर इंसान दुखी होते हैं, कष्टों से भरी जिंदगी होती है और लगातार धन की कमी बनी रहती है। जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष होता है उनके यहाँ संतान होने में भी समस्या आती है और पितृ दोष होने वाले जातक जातिकाओं के विवाह होने में भी कई प्रकार की समस्याएं आती है। घर परिवार में किसी न किसी प्रकार का झगड़ा होता रहता है, परिवार के सदस्यों में मन मुटाव बना रहता है और मानसिक अशांति के कारण जीवन जीना दुर्भर हो जाता है। यदि इनमें से एक न एक बाधा यदि आपके ऊपर है तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में पितृ दोष बन रहा है और पितृ दोष के कारण आपके जीवन में दिक्कतें आ रही है। यदि अब आपकी कुंडली में पितृ दोष बन रहा है तो उसे मुक्ति पाने के लिए मैं आपको कुछ विशेष उपाय या टिप्स बताता हूँ, जिसे करने से आपका दोष हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और आप इससे मुक्त हो जाएंगे। सबसे पहले तो आप अपने घर के दक्षिण दिशा के अंतर्गत एक सिद्ध अभिमंत्रित पितृ दोष निवारण यंत्र की स्थापना अवश्य करें। जिस भी घर में दक्षिण दिशा में ये यंत्र स्थापित होता है उसके यहाँ पितरों की सदा कृपा बनी रहती है और कुंडली में बनने वाला पितृ दोष नष्ट हो जाता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, कभी भी अपने पितरों की तस्वीरों को पूजा घर में देवी देवताओं के साथ स्थापित ना करें, इससे भी बहुत बड़ा दोष लगता है। पितृ दोष को दूर करने के लिए अमावस्या के दिन पानी वाले नारियल को अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर बहते पानी में विसर्जित कर दें और घर के अंतर्गत 16 मोर पंख अवश्य लाकर रखें, इससे भी पितृ दोष की शांति मिलती है। पितृपक्ष यानी श्राद्ध के दिनों में श्री भागवत गाथा गीता का पाठ अवश्य कराना चाहिए। गीता का पाठ का दान भी करना चाहिए, यानी कि गीता का पाठ कराने के पश्चात गीता की पुस्तक दान देने से भी पितृ दोष शांत हो जाता है। पितृपक्ष में हर रोज कौवों को भोजन कराने से भी
इस दोस्त से शांति मिलती है। पितृपक्ष में पीपल की जड़ में मीठा जल अर्पित करें और एक दिया जलाते रहें, इससे भी पितृ संतुष्ट होते हैं। पितृपक्ष में हर रोज पितरों के नाम की धूप बत्ती अवश्य करते रहें। इसके लिए आप एक जलते हुए कंडे के ऊपर, यानी कि जो गोबर का कंडा होता है, इसके ऊपर आप श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत सब्जी पूड़ी के छोटे छोटे टुकड़े अर्पित करें। इससे आपकी कुंडली का पितृ दोष शांत होगा। यह प्रयोग सिर्फ आपको श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में ही करना है, और श्राद्ध पक्ष के दिनों में आपको गलती से भी कुछ काम नहीं करने चाहिए जिससे आपके ऊपर भारी दोष लगता है। जैसे श्राद्ध के दिनों में आपको ब्रह्मचार्य का पालन अवश्य करना चाहिए। इसके पीछे धारणा यह है, पितृ आपके घर में होते हैं, ये उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने का समय होता है, इसीलिए इस दिनों संयम का पालन अवश्य करना चाहिए। पितृपक्ष के अंदर, यानी कि श्राद्ध के दिनों के अंदर सोना, नए वस्त्रों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये पितृपक्ष का उत्सव नहीं बल्कि एक तरह से शोक व्यक्त करने का समय होता है, जो इनके पति जो हमारे बीच में आज नहीं है। इन दिनों दाढ़ी मूछे भी नहीं कटवानी चाहिए। पितृपक्ष के अंतर्गत द्वार पर आए, यानी कि आपके गेट पर आए किसी भी अतिथि या याचक को बिना भोजन पानी दिए नहीं जाना देना चाहिए। माना जाता है पितर किसी भी रूप में सात पक्ष के अंदर मांगने आ सकते हैं, इसलिए उनका अनादर तो कभी गलती से भी नहीं करना चाहिए। माना जाता है पितृपक्ष में नया घर नहीं लेना चाहिए। दरअसल घर लेने में कोई बुराई नहीं है, असली कारण यह है स्थान परिवर्तन। माना जाता है जहाँ पितरों की मृत्यु हुई है वहीं वो इसी स्थान पर सात पक्ष लौट कर आते हैं। अगर उस स्थान पर हम नहीं मिलेंगे, परिजन उस स्थान पर नहीं मिलते हैं, उनको तकलीफ होती है, इसीलिए इन दिनों नया घर शिफ्ट नहीं करना चाहिए। इसके पश्चात जब भी आपने नए घर में शिफ्ट हो तो पितरों को अवश्य निमंत्रण दे देना चाहिए, ताकि अगले सात पक्ष में वो आपके नए घर में आकर आपको आशीर्वाद देने अवश्य पधारे। पितृपक्ष को लेकर ऐसी भी मान्यता है कि इन दिनों नए वाहन नहीं खरीदना चाहिए, और पिता का श्राद्ध तो पुत्र को ही करना चाहिए। यदि किसी घर में पुत्र नहीं है तो उसकी पत्नी अपने पति का श्राद्ध कर सकती है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, ये थे कुछ काम जिन्हें हमें श्राद्ध पक्ष में कतई नहीं करना चाहिए। आइए अब मैं आपको बताता हूँ आप कैसे पता करें कि आपके ऊपर पितरों की कृपा बनी हुई है या नहीं बनी है। कुछ संकेतों से आप पता लगा सकते हैं आप पर पितरों की कृपा है और पितर आपसे बहुत खुश है। जैसे श्राद्ध पक्ष में अचानक धन की प्राप्ति होना, रुके हुए काम शुरू हो जाए तो समझना चाहिए कि पितरों की आप पर कृपा है। यदि आपके घर में किसी मृत व्यक्ति को याद करते ही आपके कामों में आ रही रुकावट दूर हो जाती है तो समझ लेना चाहिए कि पितरों की आप पर विशेष कृपा बनी हुई है। यदि आपके सपने में पितर यानी कोई पूर्वज खुश या आशीर्वाद देते हुए नजर आए तो भी समझना चाहिए कि पितर आपसे प्रसन्न है। जब भी कोई आप नया काम शुरू करें और आपको वरिष्ठ लोगों का लगातार सहयोग मिलता रहे तो भी समझना चाहिए पितर आप पर आशीर्वाद दे रहे हैं। अमावस्या तिथि के आसपास जब लोगों को अक्सर नुकसान होता है और अमावस्या तिथि के दिन विशेष रूप से यदि आपको लाभ हो या कोई वाहन इत्यादि कोई किसी सुख की प्राप्ति हो तो समझना चाहिए पितरों की कृपा की ओर ये इशारा है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी पर पितरों की कृपा बनी रहे इसके लिए आप श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य अवश्य करें, और जिनकी कुंडली में पितृदोष बन रहा है वो पितृदोष का निवारण अवश्य करा लें। धन्यवाद। यदि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक अवश्य करें और अपने ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।